वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज्ड टू का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। यूज्ड टू आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। इसको जानने का सिंपल और सरल तरीका है। देखो, मैं आपको पहचान बताता हूँ, इन पहचान के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ, कोई भी वाक्य हो और वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ आ करता था, अब देखो ध्यान से सुनना, आ करता था, ई करती थी, ए करते थे लगा हुआ हो, ध्यान से सुनो। किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ आ करता था, ई करती थी, ए करते थे इत्यादि लगा हुआ आपको मिल जाए तो उससे क्या होता कि भूतकाल के आदत यानी पास्ट टेंस भूतकाल के आदत का बोध होता है। यानी आ करता था, ई करते थे, ए करते थे लगा हुआ है, इससे आपके पास्ट में जो आपकी आदत थी, भूतकाल में जो आदत थी उसको बताता है। तो उसी को बताने के लिए, उसी को इंडिकेट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यूज्ड टू। अब सेंटेंस देखो पहले कैसे बनते हैं इस पे सेंटेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहला लेता हूं, वह खाया करती थी। यहां पे देखो मुख्य क्रिया खाना है, उसके साथ देखो आ करती थी आया ना, आ करती थी, ठीक है। तो इससे पास्ट टेंस का बोध होता कि वह खाया करती थी, यानी भूतकाल में वो खाया करती थी। चलो दूसरा देखो, मैं सोया करता था, यानी हमारी आदत थी सोने की। देखो सोना जो है वो पास्ट टेंस, वो क्रिया है और क्रिया के साथ आ करता था आया, इसे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। श्याम खेला करता था। देखो खेलना मुख्य क्रिया है, इसके साथ आ करता था आया, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस में इसकी आदत क्या थी वो बता रहा। नेक्स्ट है, तुम किताबें पढ़ा करते थे। देखो पढ़ना मुख्य क्रिया है, इसके साथ आ करते थे आया, यानी सेंटेंसेस में आप इनका प्रयोग आप देख पा रहे हैं। और सेंटेंसेस ले लेते हैं, फिर मैं रूल आपको बताऊंगा। वह आम खाया करती थी। देखो खाना मुख्य क्रिया है, इसके साथ आ करती थी आया, यानी इससे आपको स्ट्रक्चर का पता चलेगा। देखो श्याम टीवी देखा करता था, क्या करता था? देखो मुख्य क्रिया है देखना, उसके साथ आ करता था, ठीक है। चलो और सेंटेंस ले लेते हैं, अब फिर हम लोग रूल पे चलेंगे। राजा बाबू हंसा करते थे। देखो मुख्य क्रिया हंसना है, उसके साथ आ करते थे, यानी इन पहचान से मैं पता चलता है कि भूतकाल में कोई आदत थी आप जो आप किया करते थे। अब मैं स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर या रूल क्या है, इसका रूल जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पे आप बनाएंगे, है ना। सब्जेक्ट यूज्ड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स इसी पे बनाएंगे, है ना। आपने पहचान भी समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया, अब बनाते हैं। देखो वह सब में यूज्ड टू लगाना, वह का क्या होगा? ही, इसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद V1, तो यानी जो मुख्य क्रिया है वही भी वन दीजिएगा। खाना का क्या होगा?
इट, आपका सेंटेंस बन गया। यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। मैं सोया करता था, मैं का क्या होगा, आई। अब आई के बाद क्या लगेगा, यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू। और सोना का क्या होगा भाई, स्लीप, आई यूज्ड टू स्लीप। चलिए आगे फिर आप ऐसे ही बनाना है, सब्जेक्ट के बाद यूज टू लगा दीजिए, फिर भी वन लगा दीजिए। श्याम खेला करता था, देखो यहां पे श्याम यूज्ड टू प्ले, ठीक है, सिंपल है। चलो तुम किताबें पढ़ा करते थे, देखो तुम का क्या होगा, यू यूज्ड टू रीड, रीड। किताबें का क्या होगा भाई, बुक्स, यू यूज्ड टू रीड बुक्स। वह आम खाया करती थी, वह क्या हो जाएगा, सी यूज्ड लगाइएगा, यूज उसके बाद टू लगाइएगा, सी यूज्ड टू ईट मैंगो, आ मैंगो, ठीक है, वह आम खाया करती थी। चलिए देखो श्याम टीवी देखा करता था, देखो श्याम क्या लगाएंगे, आपको ध्यान आ गया होगा, यूज्ड टू, टीवी देखने का होता है वॉच, मैंने देखना, द टीवी, ठीक है, या टेलीविजन। इस तरह से आप बना सकते हैं। और रह गया यहाँ पे एक और सेंटेंस, राजा बाबू हंसा करते थे, चलो राजा बाबू का हंसा दीजिए, देखो राजा बाबू यूज्ड टू हंसना का लाफ, राजा बाबू हंसा करते थे, राजा बाबू यूज्ड टू लाफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, अपने पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया है ना। तो चलिए नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।